मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यालयों सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जाना है। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया कि 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जाएगा तथा उम्मीद है कि 2 अक्टूबर को ही जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया देखिए हम लोग एक बृहद अभियान 2 अक्टूबर तक चलवा रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा है इसका नाम। माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रपति जी उसको प्रारंभ किए हैं, उसको हम लोग एक अभियान के तौर से सारे कर्मचारी, हमारा सारे विभाग का कर्मचारी सब लोग एक दिन का श्रमदान देंगे, अपने दफ्तर का साफ़ सुथरी रखेंगे, फिर जो आसपास का इलाका में भी साफ़ सुथरी रखेंगे। उसके अंदर हम लोग जो तमाम विद्यालय का है, कॉलेज का है, और भी संस्था को हम जोड़ के इसके अभियान के तौर से चला रहे हैं ताकि 2 अक्टूबर के पहले शहर का थोड़ा साफ़ सुथरी दिख जाए, उसी के मकसद से हम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को ODF भी जी जनपद में तो यहाँ तो 3,300 ग्राम पंचायत है, फिर 7 नगर पंचायत है, फिर नगर निगम है। उसको लगभग हमारा जो कितने शौचालय बनाना था, इस साल हमारा 2.5 लाख का शौचालय बनाने का लक्ष्य था गांव में, और शहर में करीबन 15,000 शौचालय बनाना था, वो पूरा बना चुके हैं। बट अभी भी कुछ जगह मान लीजिए फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मान लीजिए कहाँ कहाँ बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, मार्केट कहाँ कहाँ है, वहाँ का तो अभी भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है, उसको हम लोग आगे से बढ़ रहे हैं। बट व्यक्तिगत शौचालय के रूप से सबको हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं। उम्मीद है 2 अक्टूबर का हम लोग ODF घोषित करने की स्थिति पर रहेंगे, खुले में शौच मुक्त डिक्लेयर करने पर रहेंगे।